कैलाश आनंद की वापसी के साथ ही यूपी की सियासत में एक तगड़ी फाइट दो दलित नेताओं के बीच नजर आ रही है। एक तरफ तो बीएसपी के वारिस आकाश आनंद है, दूसरी तरफ 2024 के चुनाव में जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाने वाले चंद्रशेखर आजाद। दोनों युवा नेता हैं, दोनों की सियासत बाबा साहेब और काशीराम के विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। सवाल ये कि जनता खासकर दलित समाज किसे अपना नया नायक चुनेगा। बाबा साहब और माननीय साहब श्री काशीराम जी के सपनों को वो इस प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करके उनके सपने को पूरा कर सके। दो युवा चेहरे, दोनों दलित राजनीति के सबसे बड़े दावेदार, एक जैसा अंदाज, एक जैसा तेवर, एक जैसी सियासत, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। आकाश आनंद वर्सेस चंद्रशेखर, दलितों के दिल पर किसका राज? काशीराम के विचार, कौन बड़ा दावेदार? यही सवाल सियासत के जानकार पूछ रहे हैं, यही सवाल दलित समाज पूछ रहा है, यही सवाल बीएसपी के अंदर खाने में भी पनप रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस तरह अपनी पहली परीक्षा में चंद्रशेखर ने नगीना से जीत का स्वाद चखा, उसने आकाश आनंद और चंद्रशेखर के बीच एक बड़ा फर्क खड़ा कर दिया। चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद, दोनों में बड़ा कौन? चंद्रशेखर आजाद ने जहां 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अपने आप को प्रूव किया है कि वो बहुजन एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं, वो धार दे सकते हैं और माननीय काशीराम साहब की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं, वहीं आकाश आनंद की जो शुरुआती स्पीचेस हुई हैं, जो उनके भाषण हुए हैं, जो उनकी रैलियां हुई हैं, उसमें हमने देखा है कि कैसे आकाश आनंद एक एंग्री यंग मैन की तरह निखर कर आए हैं और उन्होंने जो दलितों के एजेंडे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं बहुजन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में ये दोनों एक मेजर प्लेयर हो सकते हैं और मेरा ये मानना है कि दोनों के अपने अपने वोटर और सपोर्टर हैं। आकाश आनंद हो या फिर चंद्रशेखर, दोनों की सियासी पिच एक ही है, दलित राजनीति। यही वजह है कि एक जैसी विचारधारा की वकालत करने वाले दो युवा चेहरे एक दूसरे के खिलाफ अक्सर हमलावर नजर आए हैं। ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है, ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहाँ पे आंदोलन करता है। मैं उनकी तरह ये तो नहीं कह सकता कि वो कौन है, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, उनकी पहचान उनकी बुआ जी से, यही उनकी पहचान है कि वो मायावती जी के भतीजे हैं। और बड़ी बात ये है कि इतिहास गवाह है कि पैसे वालों ने कभी गरीबों को इंसान माना ही नहीं। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को मसीहा बताते हुए बरगलाने का जो आरोप चुनाव के दौरान लगाया, जनता ने उसका जवाब वोट करके दिया। नतीजा ये रहा कि 2019 में जिस नगीना सीट पर बीएसपी काबिज थी, वहां 2024 में चंद्रशेखर पहली बार चुनाव जीते। सभी जानते हैं इस चुनाव के बाद चंद्रशेखर जी का कद पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत में बढ़ गया और चंद्रशेखर जी के तरफ पूरा बहुजन समाज एक आकांक्षा भरी नजरों से देखने लगा। जहाँ तक आकाश आनंद साहब की बात है, आकाश आनंद हम सभी जानते हैं कि जो मुद्दे लोकसभा चुनाव के प्रथम दो फेज तक उन्होंने उठाया वो मुद्दे बहुत ही प्रासंगिक थे, लेकिन उन्हें अचानक से साइडलाइन कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों युवा बहुत ही ऊर्जावान हैं। आकाश आनंद 29 साल के युवा नेता हैं, जबकि चंद्रशेखर की उम्र 38 साल है। सियासी अनुभव की बात करें तो आकाश आनंद को अभी 2 साल भी सक्रिय राजनीति में पूरे नहीं हुए, लेकिन चंद्रशेखर पिछले 8 सालों से जमीन पर पसीना बहा रहे हैं, सड़क पर उतर कर दलितों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। ये अलग बात है कि आकाश आनंद ने लंदन से MBA किया है, जबकि चंद्रशेखर ने कानून की डिग्री ली है। दोनों ही नेताओं की 2024 में पहली परीक्षा थी, बीएसपी तो एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन चंद्रशेखर ने नगीना से खाता खोलकर अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है।
अब दोनों नेताओं में से दलित समाज किसे अपना भविष्य का नेता चुनेगा, ये देखना भी कम दिलचस्प नहीं रहने वाला है। वैसे भी चंद्रशेखर और आकाश आनंद में जमीन आसमान का फर्क है। आकाश आनंद ने बीएसपी की पिच पर आसमान एंट्री ली, यानी उन्हें जमीन पर संघर्ष का कोई खास अनुभव नहीं है, जबकि चंद्रशेखर जनता के लिए जनता के बीच हक की लड़ाई लड़ते हुए कई बार जेल भी गए, लाठियां भी खाई और वक्त आने पर इंसाफ की जंग भी जीती। शायद इसी में काशीराम की सियासत के वारिस की कहानी छिपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।